माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने जो अपनी सांत्वना प्रकट की है, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूं। श्रीमती सुषमा स्वराज, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री के हुए दुखद निधन पर गहरा शोक है। वह दो बार हरियाणा विधानसभा की सदस्या चुनी गई और मंत्री भी रही। वह तीन बार राज्यसभा और चार बार लोकसभा की सदस्या भी रही। उन्होंने केंद्र में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का भी कार्यभार संभाला। वे लोकसभा में विपक्ष की नेता भी रही तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही। उन्होंने आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निस्वार्थ संघर्ष किया। मुझे श्री अरुण जेटली जी, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री के दुखद निधन पर गहरा शोक है। ये चार बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। उन्होंने केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला और उनको उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अनेक कानूनी व समसामयिक मुद्दों पर अनेक लेख लिखे। मुझे श्री देवीदास, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य के दुखद निधन पर गहरा शोक है। वह तीन बार विधायक चुने गए और उन्होंने समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव कार्य किया। इसी तरह श्री अमीलाल, स्वतंत्रता सेनानी के हुए दुखद निधन पर भी मुझे गहरा शोक है। इसी तरह देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करते हुए हरियाणा के जिन शहीदों ने अपने प्राण निछावर किए हैं, मैं उनकी शहादत पर नमन करता हूँ। इसी तरह से भूतपूर्व मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहलता जी तथा वर्तमान विधायकों और पूर्व विधायकों के जिन संबंधियों का दुखद निधन हुआ है, मुझे उनके लिए भी गहरा शोक है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाएं शोक संतप्त परिवारों तक पहुँचा दूँगा। अब मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करूँगा कि उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें।